हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बारे में, जिसमें यहाँ पे बात करूँ तो जी को यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जी के शेयर में भारी गिरावट की सिचुएशन थी। तो पूरी मैटर आपके सामने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जी में आगे जा करके कौन से टारगेट आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करने की कोशिश करूँगा। वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन डेफिनेटली दबाइए। तो सबसे पहले बात करूंगा कि जी की क्लोजिंग किस तरह की देखने को मिली थी, सिचुएशन किस तरह की देखने को मिली थी आज के दिन। तो इसके लिए डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको गूगल पे सबसे पहले लेकर के क्लोजिंग की स्टेटस बताना चाहूंगा। 248 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। जी हाँ, यहाँ पे 8.5 रुपये डाउन। जी हाँ, 3.35% की गिरावट हमें जी के शेयर में देखने को मिली थी। और यहाँ पे एक समय पे जी का शेयर 5% से भी ज्यादा, इनफैक्ट 6% से भी ज्यादा की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया था। हाल फिलहाल में बात करें तो बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही जी एंटरटेनमेंट के शेयर में। यहाँ पे 3.5% एक वीक में डाउन है। एक मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे 3.5% का गेन दिखाई दे रहा है, परंतु पिछले 6 महीने में देखोगे तो पिछले 6 महीने में 22% लुढ़क चुका है। ईयर टिल डेट की बात करें, मतलब कि 2022 में 23% की गिरावट है, और एक साल के टाइम रिजन पे बात करें तो अभी भी 17% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न जी देता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण है कि यह जी और सोनी के मर्जर की जो डील आई थी, उसके ऊपर फिर तेजी जो निकल करके आई थी, इसी के चलते यहाँ पे आपको बड़ी टाइम फ्रेम पे अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो इसी जो मर्जर हुआ था, इसी के ऊपर जो सिचुएशन है वो अभी कहीं ना कहीं क्रिटिकल बनती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते जी का शेयर फिर से लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खबर के ऊपर ही डायरेक्टली लेकर जाने जाऊंगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर आपको लेकर के आया हूँ, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी एंटरटेनमेंट टैक्स 5% आफ्टर बॉम्बे हाईकोर्ट अलाउ NCLT टू हियर इन्वेस्ट को अपील। मतलब कि इन्वेस्ट को ने एक अपील जाहिर करी थी कि यहाँ पे जो जी और सोनी का मर्जर है, इसमें जो MD और CEO के तौर पे पुनीत गोयनका को यहाँ पे बिठाने की बातें चल रही थी। इसके ऊपर यहाँ पे जो इन्वेस्ट को, जो कि वन ऑफ दी बिगेस्ट शेयर होल्डर है जी एंटरटेनमेंट में, इन्वेस्ट को उसके साथ एक और इन्वेस्टर है, वो दोनों यहाँ पे NCLT में उसने यहाँ पे अपील करी थी, और इसके ऊपर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलाउ किया है कि यहाँ पे जो इन्वेस्ट को की अपील है वो यहाँ पे NCLT एक बार फिर से सुने। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इन्वेस्ट को की अपील सुनेगा। अपील तो सिंपल ही है कि यहाँ पे वो जो MD और CEO के पद के तौर पे यहाँ पे पुनीत गोयनका का है, उनको वो हटाना चाह रहे हैं एज अ बिगेस्ट शेयर होल्डर के नाते, और यहाँ पे उनकी जगह दूसरे को बिठाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी बुलाना चाहते हैं, ताकि जो सोनी और जी की डील है उसमें उनकी भी कुछ कंडीशन रखी जाए। मतलब कि यहाँ पे अगर ये जो शर्त है इसके ऊपर जी डिसएग्री होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो डील हुई है सोनी और जी के बीच वो कैंसल भी हो सकते हैं, ऐसी भी बातें यहाँ पे बोली जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका जी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक समय पे यहाँ पे डील है वो क्लियर दिखाई दे रही थी, जिसके चलते जी का शेयर 360 तक भी भाग गया था, परंतु मैंने वहाँ पे लेने के लिए आपको डेफिनेटली मना किया था। 250 के आसपास मैंने बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, और वहाँ पे ही प्राइस चल रही है। मुझे लगता है ये लेवल बढ़िया है बाई करने का, और यहाँ पे थोड़ी और गिरावट आती है तो मैं एक और लेवल बताना चाहूँगा जहाँ पे आप एड ऑन भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये खबर थी जिसके चलते जी में भारी गिरावट की सिचुएशन है। अभी मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे ले जाने से पहले कारोबार की सिचुएशन भी बताना चाहूँगा। तो जी एंटरटेनमेंट ऑलरेडी NSE की वेबसाइट पर सर्च करके रखा है, 248 रुपये के आसपास क्लोजिंग, प्रीवियस क्लोजिंग 256, ओपन 257, हाई 258, लो की बात करें 243, और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस की बात करें 248। यहाँ पे जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो 1,49,00,000 शेयर की ट्रेडिंग, 24,00,000 शेयर की डिलीवरी। हालांकि परसेंटेज डिलीवरी बहुत ज़्यादा कम है, 16% के आसपास की ही नजर आ रही है। तो इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रेडिंग डेफिनेटली कर रहे हैं न्यूज बेस के चलते, परंतु जाकर माल को घर ले जाने से यहाँ पे कहीं ना कहीं वो डाउट फील कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये मसला है वो अटका पड़ा है। सीधा यहाँ पे ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहूँगा, और डिटेल बताने की कोशिश करूँगा कि अगले लेवल किस तरह के दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे लेके आया, और जी की सिचुएशन आपके सामने है। यहाँ पे देखिए कि बढ़िया तेज़ी का माहौल था, और उसके बाद तेज़ी और कंटिन्यू रहती है, 360-370 के आसपास कहा है, और इसके बाद जो बावजूद गिरावट दिखाई दे रही है वो बहुत बड़ी फॉल दिखाई दे रही है। देखते ही देखते जी ने 215 का, अभी अभी जब मार्केट पास 15,700 के आसपास आया था तब लो बना डाला, वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी 260 के आसपास काल फिलहाल में हाई बनाया था, और वहाँ पे अभी बात करें तो 248 के आसपास ही क्लोजिंग नजर आई है। मुझे लगता है यहाँ पे सिचुएशन बढ़िया है, यहाँ पे बाइंग करने का बढ़िया मौका अवेलेबल है, क्योंकि 240 के आसपास ही सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ध्वस्त होता है तो उसके नीचे यहाँ पे 215 के आसपास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है,
जो कि हाल फिलहाल में ही वहां से प्राइस में बाइंग की पोजीशन बनी है। मुझे लगता है 260 बाई 270 एक रडल का जोन है, ये क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 295 और उसके बाद 330 के लेवल आपको जी दिखाएगा, परंतु पहले तो 270 के ऊपर सस्टेन हो, तब जाकर के आप 295 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में जी में लेकर के बैठ सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लेइंग का बढ़िया मौका है। आप 215 मतलब कि 210 के एसएल के साथ या आप करंट मार्केट प्राइस में भी पोजीशन बनाते हो तो 35 पॉइंट के आसपास का आपका जो एसएल होगा और उसके सामने जो टारगेट है वो आपको अच्छे खासे मिल सकते हैं। मतलब कि 300 और 350 के लेवल भी आपको 6 से 8 महीने में जी दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है। परंतु इसके लिए आप एक शर्त है, ये जो सोनी की मर्जर वाली डील है वो डेफिनेटली कैंसिल नहीं होनी चाहिए। कैंसिल हुआ तो यहाँ पे इसको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे कुछ अलग तरह के टारगेट हो सकता है कि निकल कर क्या है। यहाँ पे आरएसए का लेवल देखे 46 के आसपास है, तो मिलिट्री के आसपास आरएसए का लेवल घूमता हुआ नजर आ रहा है। जब से यहाँ पे डील की खबर आई थी और जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा था उसके कंपेरिजन में वॉल्यूम की बात करें तो एकदम लो वॉल्यूम के साथ यहाँ पे काफी समय से जी में ट्रेडिंग हो रही है, इस बात को भी आपको नोट करना है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप जी एंटरटेनमेंट को स्टडी करिए, अपनी एनालिसिस करिए और उसके बाद ही आपका फाइनल डिसीजन इसके ऊपर होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले कॉलोडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।